गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास टेंथ, सब्जेक्ट इंग्लिश, पोइम फॉर एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत यानी कि किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं तुसी ने, और इस पोइम के पोइट है ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो अपने सबसे पहले इसमें पोइम के बारे में जानते हैं, पोइट के बारे में जानते हैं, उसके बाद में अपने इस पोइम को पढ़ने स्टार्ट करेंगे। ये पोइम व्यंग्य से युक्त है। इसमें पोइट ने मानव व्यवहार पर व्यंग्य किया है और एक कुत्ते व एक मनुष्य के बीच किस तरह से शुरू में मित्रता होती है और बाद में वो किस तरह से शत्रु बन जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और किस तरह से मानव का व्यवहार है वो बदलता है, ये सब इसमें अपने को इस पोइम के अंदर बताया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले अबाउट द पोइट। ओलिवर गोल्डस्मिथ 1728 to 1774, यानी कि ओलिवर गोल्डस्मिथ जिनका जन्म 1728 में हुआ और मृत्यु 1774 में हुई, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 18th century इंग्लिश राइटर्स, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे, यानी कि ओलिवर गोल्डस्मिथ 18वीं शताब्दी के इंग्लिश लेखकों में, यानी कि जो सबसे अधिक प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक थे उनमें से एक थे। Lived a fascinating life of contradiction between his unquestionable brilliance and self-destructive tendencies, यानी कि tendencies की मतलब होता है प्रवृत्तियाँ, कि उन्होंने अपनी निर्विवाद बुद्धिमता और आत्मघाती प्रवृत्तियों के बीच विरोधाभासपूर्ण एक आकर्षक जीवन जिया। Fascinating means आकर्षित करने वाला, कॉन्ट्राडिक्शन मिस होता है विरोधाभास, और अनक्वेश्चनेबल जिसका कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, यानी कि जिस पे अपने किसी तरह का ब्लेम नहीं लगा सकते, निर्विवाद। ब्रिलियंस मिस होती है बुद्धिमता। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है आत्मघाती, यानी कि उन्होंने निर्विवाद बुद्धिमता और आत्मघाती प्रवृत्तियों के साथ विरोधाभासपूर्ण एक आकर्षक जीवन जिया। ही प्लेज पोइम्स एंड एसेज हैव बीन वेरी पॉपुलर, उनके नाटक, प्लेज का मतलब नाटक, कविताएँ और निबंध है वो लोकप्रिय रहे हैं, यानी कि उनके जो भी नाटक थे, जो कविताएँ थी या फिर जो भी निबंध थे वो सारे पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। तो इस पोइम में उन्होंने क्या बताया है, देखते हैं अबाउट द पोइम। द प्रजेंट पोइम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओलिवर गोल्डस्मिथ नॉवल द विकार ऑफ वेकफील्ड, यह यानी कि जो कविता है वह ओलिवर गोल्डस्मिथ के उपन्यास द विकार ऑफ वेकफील्ड से ली गई है, यानी कि ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक नॉवल यानी कि एक उपन्यास है जिसका नाम है द विकार ऑफ वेकफील्ड, और उसी में से इस पोइम को लिया गया है। इट मॉन्स द डेथ ऑफ ए मैड डॉग एंड इज कॉल्ड एन एलेजी इन ए हिस्टेरिकल वे, यह एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक प्रकट करती है और जिसे मजाक में एलेजी यानि कि एक शोक गीत बोला गया है, यानि कि ये कविता एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक प्रकट करती है, इसलिए इसे मजाक में शोक गीत कह दिया गया है इस कविता को। एन एलेजी इज ए पोइम विच एक्सप्रेसेस सैड फीलिंग्स ओवर द डेथ ऑफ ए फ्रेंड और ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि एलेजी पोइम होती क्या है। एन एलेजी इज ए पोइम, एक शोक गीत एक ऐसी कविता है जो कि अपने किसी मित्र या अपने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु पर दुख से पूर्ण या दुख से भरी हुई भावनाओं को व्यक्त करती है। सैड फीलिंग्स मतलब दुख युक्त भावनाएँ, यानी कि एलेजी एक ऐसी कविता होती है जिसमें अपने किसी मित्र, निकट संबंधी या फिर अपना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसकी मृत्यु पर अपने
शोक या दुखद भावनाएं जो व्यक्त करते हैं वो ही एक एलेजी पोइम होती है। द पोइट डिस्क्राइब्स फ्रेंडशिप बिटवीन ए मैन एंड ए डॉग। और कवि इस कविता में एक व्यक्ति और एक कुत्ते के बीच की मित्रता का वर्णन करता है। एट फर्स्ट दे गेट अलोंग वेल। शुरू शुरू में तो वे दोनों साथ साथ अच्छे से रहते हैं, यानी कि उनकी साथ साथ में अच्छी बनती है। बट आफ्टर सम टाइम दे बिगिन टू क्वेल। परंतु कुछ समय के बाद ही वे आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। एंड बिकम एनमीज। और वे एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। द डॉग गोज मैड एंड बाइट्स द मैन। कुत्ता है वो पागल हो जाता है और उस व्यक्ति को काट देता है। द टाउन्स पीपल लैमेंट दैट दिस गुड मैन मस्ट डाई ए रैश डेथ। और उस कस्बे के लोग दुख व्यक्त करते हैं कि यह सज्जन व्यक्ति एक निकृष्ट मृत्यु मरेगा। रेस्ट का मतलब बुरी, निकृष्ट। बीट्रेड बाई द अनग्रेटफुल कर दैट ही हैड ट्रस्टेड। बीट्रेड का मतलब होता है धोखा खाना, धोखा दिया जाना। बाई द अनग्रेटफुल, एक तो तय कर्तज्ञ है जो किसी का उपकार मानता है और एक जो किसी का उपकार नहीं मानता है उसको बोलते हैं अनग्रेटफुल कर्तज्ञ। तो इस अकर्तज्ञ आवारा कुत्ते के द्वारा धोखा दिए जाने की वजह से जिस पर उसने विश्वास किया था, यानी कि कस्बे के लोग क्या क्यास लगाते हैं, कस्बे के लोग दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिस कुत्ते पर, जिस कर्तज्ञ आवारा कुत्ते पर विश्वास किया उसी ने धोखा दिया और यह सज्जन व्यक्ति एक निकृष्ट मृत्यु मरेगा। यानी कि जैसे ही कुत्ता पागल हो जाता है और उस व्यक्ति को काट लेता है तो लोग अपने अपने अनुमान लगाना शुरू करते हैं और क्यास लगाना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि इस निकृष्ट कुत्ते के द्वारा, इस आवारा कुत्ते के द्वारा, इस जिस कुत्ते पर विश्वास किया गया उसने अपनी कर्तज्ञता की बजाय कर्तज्ञ यानी कि उपकार नहीं मानते हुए उसने धोखा देते हुए उस व्यक्ति को काट लिया और यह व्यक्ति एक निकृष्ट मृत्यु मरेगा। कॉन्ट्रेरी टू द प्रेडिक्शन ऑफ द टाउन्स पीपल, कस्बे के या शहर के लोगों की भविष्यवाणी के विरुद्ध, द मैन हैज रिकवर्ड, वह व्यक्ति तो फिर से ठीक हो गया, बच गया। एंड द डॉग हैज डाइड, और वह कुत्ता मर गया। यानी कि लोगों ने तो ये सोचा था कि कुत्ते के काटे जाने की वजह से जो कुत्ते का जहर है उससे ये व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा कि वह कुत्ता है वो तो मर गया और वह व्यक्ति है वो बच गया। दस समथिंग अनयूजुअल हैपेंड, और इस तरह से कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ, यानी कि एक ऐसी घटना हुई जिसको किसी ने आशा नहीं की थी। यानी कि पॉइंट है वो ये शो करना चाहता है कि एक कुत्ते के बजाय एक मनुष्य के अंदर जहर अधिक है। वो कैसे कि कुत्ता है वो हमेशा वफादार होता है लेकिन एक इंसान अपनी वफादारी भूल जाता है, इसलिए मानव स्वभाव के अंदर जो भिन्न भिन्न लक्षण है, यानी कि वो अविश्वसनीय है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उसी को एक जहर का प्रतीक बताया है यहाँ पे। द पोइम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टेयर ऑन ह्यूमन बिहेवियर। यह कविता मानव व्यवहार के ऊपर एक व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है। स्टेयर का मतलब व्यंग्य। द सडन रिवर्सल ऑफ सिचुएशन इन द एंड ऑफ द पोइम मेक्स द स्टेयर बेटर। और इस कविता के अंत में परिस्थितियों की या स्थितियों की उलट-पुलट है वह इस कविता के व्यंग्य को और कटु बना देती है। बिटर मतलब कटु या कड़वा। द मैन बिलीव टू डाई रिकवर्स एंड द डॉग कर्स्ड फॉर डिसीट डाइज। और वह व्यक्ति जिसके की विश्वास था कि मर जाएगा वह तो जीवित हो उठा, और कुत्ता जिसके की धोखाधड़ी की वजह से, यानि कि जिसने धोखाधड़ी किए थी या जिसको धोखे के लिए भला बुरा कहा गया था वह मर जाता है। कर्ष का मतलब जानते हैं सभी, अभिशाप, किसी को शाप देना। यानि कि जिस कुत्ते की धोखाधड़ी के लिए लोगों ने उसे शाप दिया था कि यह मर जाएगा, यह बच जाएगा, वो तो क्या है, मर जाता है। और व्यक्ति जिसने, जिसको कि कुत्ते ने काटा था, जिसके बारे में क्यास था कि यह मर जाएगा, वो बच जाता है। द मैन अंडर द मास्क ऑफ इनोसेंस प्रोच फेटल टू द इनोसेंट एनिमल। और वह व्यक्ति जो कि साधुता के मुखेटे के तहत, मास्क मीन्स क्या होता है, मुखौटा, तो
और इनोसेंस का मतलब साधुता, जो सज्जन बनने का दिखावा करता था, वह व्यक्ति जो कि साधुता के मुखौटे के नीचे एक उस सीधे साधे, इनोसेंट का मतलब सीधा साधा, बिल्कुल साधारण सा एनिमल मीन्स जीव, उस सीधे साधे जीव के लिए घातक सिद्ध होता है। यानी कि एक व्यंग्यात्मक पोइम है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से एक सीधे साधे जानवर को एक मनुष्य के धोखे की वजह से वह घातक साबित होता है, किस तरह से उनमें पहले दोस्ती होती है, फिर वो किस तरह से शत्रु बनते हैं, तो ये सब इस पोइम में बताया गया है। तो लेट्स रीड द पोइम। एन एलेजी ऑफ ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, यानी कि एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी शॉर्ट गिव ईयर ऑन टू माई सॉन्ग, एंड इफ यू फाइंड इट वंडर शॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। अब यहाँ पे लोगों को संबोधित करते हुए, एवरी शॉर्ट यानी कि हर प्रकार के, हर तरह के लोगों को संबोधित करते हुए पोइट यहाँ पे कहते हैं, उन्हें अच्छे लोगों के नाम से संबोधित करते हैं, और क्या कहते हैं कि हर प्रकार के, हर तरह के अच्छे लोगों, मेरे इस गीत को ध्यानपूर्वक और सहानुभूति से सुनो। गिव ईयर, गिव ईयर का मतलब सुनना सावधानीपूर्वक ध्यान से। ऑन टू का मतलब ये पहले टू के बजाय ऑन टू का यूज होता था, यहाँ पे अपने टू ले सकते हैं, माय सॉन्ग मेरे गीत को। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडर शॉर्ट, और यदि तुम इसे आश्चर्यजनक रूप से या असाधारण सा, संक्षिप्त, शॉर्ट का मतलब संक्षिप्त या छोटा पाते हो, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो ये आपका बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करेगा। कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने लोगों को अच्छे लोग कहते हुए संबोधित कर अपने उस गीत को सुनने के लिए प्रेरित किया है, और वो कहते हैं कि हर प्रकार के अच्छे लोगों, मेरे इस गीत को ध्यानपूर्वक और सावधानी से सुनिए। यदि आपको यह साधारण सा या बहुत अधिक आश्चर्यजनक प्रतीत नहीं होता है और ये छोटा प्रतीत होता है, तो ये आपका बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करेगा। इन आइलिंगटन देयर वॉज ए मैन ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन वेन एवर ही वेंट टू प्रे। उसके बाद में यहाँ पे आइलिंगटन एक कस्बा है जहाँ पे पोइट कुछ समय के लिए रुका था, तो वो उसी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इन आइलिंगटन देयर वॉज ए मैन, कि आइलिंगटन में वहाँ एक व्यक्ति था, ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में ये दुनिया, वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, जगत, विश्व होता है, लेकिन यहाँ पे अपने मतलब ले सकते हैं दुनिया से, दुनिया के लोगों से, ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में कि यह दुनिया कह सकती है, दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन वेन एवर ही वेंट टू प्रे। दैट मीन्स जो स्टिल अभी भी गॉडली रेस, यानी कि अपनी सज्जनता दिखाता था, वह ईश्वर को याद करता था या ईश्वर को याद करने वाला व्यक्ति था। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, जब कभी भी वह प्रार्थना करने के लिए जाता था। यानी कि पॉइंट कहना चाहते हैं कि आर्लिंगटन में एक ऐसा व्यक्ति था जो कि, जिसके बारे में दुनिया यह कह सकती है कि जब वह प्रार्थना करने के लिए जाता था तो वह एक सज्जन व्यक्ति होता था, या फिर वह ईश्वर को याद करने वाला व्यक्ति होता था। कहने का मतलब यहीं पे भी पोइट ने व्यंग्य किया है, और व्यंग्य इस तरह से किया है कि जब वह प्रार्थना करता था तो वह ईश्वर को याद कर रहा होता था, वह एक सज्जन व्यक्ति होता था। कहने का मतलब, जब तक वो प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था, तब तो भगवान को सब कुछ मानता था, लेकिन जैसे ही उसकी प्रार्थना खत्म होती थी तो वो कुछ भी नहीं था, यानी कि एक साधारण व्यक्ति। कहने का मतलब, वो सिर्फ एक डोंग कर रहा था, दिखावा कर रहा था, सिर्फ ये दिखावा करता था कि वह एक सज्जन व्यक्ति है, यानी कि वो वास्तव में ऐसा व्यक्ति नहीं था, जैसा था उसका उल्टा दिखाने का प्रयास कर रहा होता था। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कम्फर्ट फ्रेंड्स एंड फोज द नेक्ट एवरी डे ही क्लैड वेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। उसके बाद में पोइट यहाँ पे बताते हैं कि एक दयालु हृदय सज्जन व्यक्ति वह था, यानी कि एक दयालुता से परिपूर्ण हृदय वह रखता था, टू कम्फर्ट फ्रेंड्स एंड फौज, जो कि अपने मित्र, फौज में होते हैं शत्रु दुश्मन, जो कि अपने मित्रों और दुश्मनों दोनों को ही सांत्वना प्रदान करता था। कम्फर्ट मीन्स आराम उपलब्ध कराना, राहत प्रदान करना, यानी कि उनको सांत्वना संतुष्ट करता था, यानी कि एक इस तरह के दयालु हृदय वाला व्यक्ति जो कि अपने मित्र और दुश्मन दोनों को ही
संतुष्ट करता था, सांत्वना प्रदान करता था। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स। द नेक्ड वस्त्रविहीन, जिनके वस्त्र नहीं हो, नगन जिसको बोलते हैं। एवरी डे, प्रतिदिन ही क्लैड वह पोशाक पहनाता था। क्लैड का मतलब वस्त्र पहनाना। व्हेन, जब ही पुट ऑन हिज क्लोथ, जब वह अपने कपड़े पहन रहा होता था। यानी कि एक इस तरह का सज्जन, दयालु हृदय वाला व्यक्ति, जो अपने मित्रों और दुश्मनों दोनों को संतुष्ट करता था और जिसमें वह अपने कपड़े पहन रहा होता था, तो वह प्रत्येक वस्त्रहीन व्यक्ति को पोशाक पहन रहा होता था। क्या समझे? यानी कि जब उसने खुद कपड़े पहन लिए, तो वो ये सोचता था कि मैंने पूरी दुनिया को, जो भी वस्त्रहीन है, उन लोगों को कपड़े पहना दिए हैं। यानी कि वो सिर्फ सोचता था, करता कुछ भी नहीं था। यानी कि वो अपने दिखावा तो ऐसे करता था कि उसके लिए शत्रु और दुश्मन एक सम्मान है। वह सभी को संतुष्ट करता था, यानी कि उनको वह सुझाव ही देता था, दिखावटी बातें करता था, वास्तव में कुछ भी ऐसा नहीं था। और जिस समय वह स्वयं कपड़े पहन रहा होता था, पोशाक पहन रहा होता था, तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसने इस विश्व के अंदर, इस दुनिया के अंदर जितने भी वस्त्रहीन या नगन लोग हैं, उनको कपड़े पहना दिए, पोशाकें पहना दी है। एंड इन दैट टाउन ए डॉग वॉज फाउंड, एज मैनी डॉग्स देयर बी, बोथ मॉन्गल, पपी, वेल्प एंड हाउंड्स एंड कर्स ऑफ लो डिग्री। यानी कि उसके बाद में पोइट यहाँ पे आइलिंगटन के अंदर पाए जाने वाले कुत्तों के बारे में बता रहा है, और वो बताते हैं कि उसी कस्बे के अंदर एक कुत्ता था, एज मैनी डॉग्स देयर बी, जैसे कि वहाँ अन्य कुत्ते भी थे, जिनमें कि मोंगरल एक शिकारी कुत्ता, पपी अपने जानते हैं कुत्ते का छोटा बच्चा या पिल्ला, वेल छोटा जो युवा पिल्ला होता है, एंड हाउंड शिकारी कुत्ते, और मोंगरल मिस होता है संकर प्रजाति का कुत्ता। संकर प्रजाति यानी कि जैसे अपने हाइब्रिड बीज लेके आते हैं ना, जिसमें किन्हीं दो प्रजातियों के बीच में क्रॉस करवा के संकरण करवाया जाता है, तो उसी तरह से मोंगरल संकर प्रजाति का कुत्ता। एंड कर्स मिस होता है आवारा, भटकने वाले कुत्ते, लो डिग्री का मतलब निम्न स्तर के। और पॉइंट बताता है कि वहाँ उस कस्बे में एक ऐसा कुत्ता था, जैसे कि बहुत से अन्य कुत्ते भी थे, जिनमें मोंगरल यानी कि संकर प्रजाति का कुत्ता, पपी यानी कि पिल्ला, वेल्प यानी कि यंग पिल्ला, एंड हाउंड एक शिकारी कुत्ता, और आवारे कुत्ते जो कि निम्न स्तर के थे। यानी कि बताया गया है कि उस कस्बे में निम्न प्रजाति के, निम्न स्तर के कई कुत्ते रहते थे। और यहाँ पे साथ ही साथ पोइट ने हमें कुत्ते की प्रजातियों के बारे में भी बताया है, मोंगरल, पपी, वेल्प, हाउंड, कर्स, ये सारे क्या है, कुत्तों की प्रजातियाँ हैं। कर्स का मतलब आवारा भटकने वाले, हाउंड्स का मतलब शिकारी, वेल्प का मतलब यंग पिल्ला, पपी का मतलब पिल्ला, मोंगरल मतलब संकर प्रजाति का। तो इस तरह से इस टेंजा में पोइट ने बताया है कि उस कस्बे में एक कुत्ता था, जिसका के बारे में आगे पोइट इस पोइम के अंदर हमें बताएगा, जिसकी दोस्ती उससे होती है, उस व्यक्ति से होती है, उसके बारे में। तो इसलिए यहाँ पे पहले कुत्तों का वर्णन किया कि उस कस्बे में बहुत से कुत्ते थे, उनमें से एक कुत्ता था जिसके साथ उस व्यक्ति की दोस्ती होती है। और आगे क्या होता है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।